अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे गुड्डे की चाहत अगर तू खेलेगी तो मैं तेरे को मार लूंगी ही ना। लो, इसका नाटक शुरू हो गया। ये मेला गुड्डा है, तेला गुड्डा नहीं है। दाचिनी, दूर ले इसे। दाचिनी, क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक हो? पीला गुड्डा बोलता भी है। तूने सुना पीला गुड्डा बोला? पीला गुड्डा बोला, गुड्डे बोल बोल। ए फॉल बोला, ए फॉल एप्पल, बी फॉल बोल बोल बनाना। क्या हो क्या गया तुम्हें? क्या कर रही हो तुम ये सब कुछ? अब तू मेरी बात सुन, इस गुड्डे से दूर रहना। इस गुड्डे के पास गई ना तो क्योंकि इस गुड्डे से शादी हुई है ना, तो ये नीला गुड्डा और मैं इसकी गुड़िया, गुड्डा और गुड़िया। और तू चुड़ैल, चुड़ैल पहले गुड्डे से दूर लेना। हाँ गुड्डा चुड़ैल ना बहुत डरावनी और बहुत गंदी होती है। तू दूर लेना। हाँ तू दूर लेना चुड़ैल से, ठीक है? हाय रब्बा, तेज पुत्र। हाँ? और लगता है बहू को फिर से पागलपन का दौरा पड़ गया पुत्र। और दालचीनी आ दीदी। कला कला कला, मैंने चुड़ैल की चिकन दी। हाँ, मैंने चुड़ैल की चिकन दी। बुला लगा, बुला लगा, बुला लगा। चुन्ना चुन्ना, अच्छा चौली 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 चौली। चुड़ैल को बुला लग गया क्या? पर चुड़ैल ही तो चाहती थी ना कि दालचीनी पागल हो जाए। तो दालचीनी पागल हो गई। वैसे भी दालचीनी अपनी बहन की हर ख्वाहिश पूरी करती है ना। वैसे मुझे ये पागलपन वाला हथियार देने के लिए ना बहुत बहुत शुक्रिया। अब देख, इसी हथियार के साथ मैं तेला और मम्मी जी का चेला चाप के सामने ला कर लाऊंगी। अगर तूने मेले गुड्डे को फिर से हाथ भी लगाया ना तो तेरे चुटी चुटी। दालचीनी तुम चलो मेरे रूम में चलो। मैं तो गुड़िया हूँ ना। अच्छा, गुड़िया का नाम दालचीनी है, फिर गुड्डे का नाम क्या होगा? गुड्डे का नाम इलायची। दालचीनी और इलायची हमेशा साथ साथ। मेरे साथ आओ प्लीज। अब प्लीज। ए तू चुप। देखो, गुड़िया का काम होता है अपने गुड्डे की बात मानना। तो तुम्हें पता है ना तुम्हारा इलायची क्या चाह रहा है तुमसे? तुम्हारा इलायची चाहता है कि तुम सो जाओ, ओके? और अगर दालचीनी ने इलायची की बात नहीं मानी तो?
तो इलायची बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। नहीं 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 गुच्छा नहीं गुच्छा नहीं 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 सो जा। ठीक है मैं सो जाती हूँ। समझती क्या है तू अपने आप को? मुझसे पोंगा लेने चली जाती थी। इतनी भी औकात नहीं है तेरी। अब तू देख मैं कैसे ईट का जवाब पत्थर से देती हूँ। सुनो दवाई ले लो। लेकिन इलायची दवाई तो बहुत कलवी कलवी होती है ना, पर अगर तुम दवाई तिलाओगे ना तो दवाई मीठी मीठी हो जाएगी। लेकिन इलायची नींद ही नहीं आ रही है। नींद तो देखो तुम्हें लेनी पड़ेगी। अगर नींद नहीं लोगी ना तो राक्षस आ जाएगा। नहीं 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 ना नहीं नहीं। हाँ सो जाओ, फट से सो जाओ, आंखें बंद करो। हाँ इतने दिनों बाद आपका ये प्यार मिल रहा है, ऐसे तो मैं जिंदगी भर के लिए पागल बनने के लिए तैयार हूँ। तेज, तुमने मुझसे वादा किया था कि दीपक के जाने के बाद तुम मेरा ख्याल रखोगे। तुम ख्याल तो उसका रख रहे हो जिसने मेरे पति का खून किया है। शंकरा, थोड़ा धीरे बोलो प्लीज। तुम्हें पता है दालचीनी की दिमाग की हालत ठीक नहीं है। दिमाग की हालत ठीक नहीं है तो वो यहाँ क्या कर रही है तेज? कायदे से अगर उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है तो उसे तो पागल खाने में होना चाहिए। तेज आज तुम्हारे सामने उसने मुझे थप्पड़ मारा है, कल को मेरी जान लेने आएगी, मेरा गला दबाने आएगी, तब क्या? तब भी तुम मुझे यही बोलोगे कि जाने दो, छोड़ दो, माफ कर दो, क्योंकि उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। अगर अभी भी तुम्हारे दिल में दीदी के लिए प्यार बाकी है तो तुम ये बात मान क्यों नहीं लेते हो? किसी के रंग में भंग करने का हमारा कोई हक नहीं है। इसीलिए सबके लिए हम आपस में राजी खुशी होने का ड्रामा तो कर ही सकते हैं। आपको नहीं बाबू तो किसी को नहीं लगाएंगे रंग इन हाथों से। ये हाथ अगर तुमको ना रंग लगाए तो ये किसी को रंग नहीं लगाएंगे। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 10 बजे। कला क्या बोल रहे हो तुम ये सब? अगर तुम्हें उसकी इतनी ही फिक्र है तेज तो तुम ये बात मान क्यों नहीं लेते हो कि तुम्हारे दिल में अभी भी दीदी के लिए प्यार बाकी है? मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे होते हुए मैं कभी अकेला फील नहीं करूंगी, तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे पति के कातिल के लिए इतना प्यार बाकी है, तो फिर मैं क्या करूं, कहां जाऊं, फिर मेरा कौन है? कला 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 तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। मुझे मेरा किया हुआ प्रॉमिस अच्छे से याद है और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। और प्लीज तुम्हें खुद को अकेला समझने की कोई जरूरत नहीं है, तुम नहीं हो अकेली। ओके इस पागलपन को अपना हथियार बनाने वाली थी ना, तुझे पता है मेरा हथियार मेरे ये आंसू हैं। अब देखते हैं कि किसके हथियार से तेज घायल होता है। कला यही तो फर्क है तुझ में और मुझ में। तेज सर जी को हासिल करने के लिए तुझे तेरे इन आंसुओं की जरूरत पड़ेगी, पर मुझे तो तेज सर जी को हासिल करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि तेज सर जी मेरे थे, मेरे हैं और हमेशा मेरे ही रहेंगे।
और चालाकी का चांटा खा के मजा आया तुझे? बेवकूफ लड़की, क्या जरूरत थी ऐसे लपक के उसके गले से लटकने की? कहा था ना मैंने तुझसे कि तेज और तू एक होंगे और ये मैं करवा के दूंगी, लेकिन नहीं, हमें तो उतावलापन करना है। लेकिन आंटी जी, आप खुद बताइए, इसमें फायदा तो हमारा ही हुआ है। अगर मैं ये नहीं करती तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि दीदी को पहले से ही पता है कि हम दोनों मिलकर उसे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तू सिखाएगी मुझे? ये पता करने के और भी तरीके थे। तेरी वो चालाक लोमड़ी बहन ना चुप तो नहीं बैठने वाली। उसके खुराफाती दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, अब मुझे वो पता करना पड़ेगा। सुन, उसको पागल बनाने के चक्कर में ये ना हो कि वो तुझे पागल बनाकर निकल जाए। नहीं नहीं आंटी जी, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मैं तेज को दीदी के पास वापस नहीं जाने दूंगी। तेज सिर्फ और सिर्फ मेरा है। बचपन से तेरी आदत है ना कि जीरे का तेल सूंघते ही तुझे नींद आ जाती है, और अब इसी नींद की हालत में तू खुद तेज सर जी के सामने अपना सारा सच बयां करेगी, फिर पिसती रहना जेल में चक्की मां के साथ। ये चाल चलने वाली है, बहुत शौक है ना इसको चाले चलने का। अभी बताती हूँ, तो कुछ ऐसा ही करूंगी ना कि तुझे जिसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगा। पुत्र, बड़ा खतरे वाला काम करने जा रही है, अपना ध्यान रखना। बीजी, आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, आपका आशीर्वाद है ना मेरे साथ, बस सब ठीक हो जाना है। अभी आप जल्दी से अंदर जाइए, इससे पहले कि कोई आपको देख ना ले। इस गवार के ट्रोले पर ऐसे क्यों पड़ी हुई है? दालचीनी ने इसे बेहोश तो नहीं कर दिया? इस दालचीनी के बहुत पर निकल आए हैं, वक्त आ गया कि इसके पर को कतर डालो। यही तो मैं चाहती थी माँ। तेज, 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 बेटा कला को बचा ले, प्लीज कला को बचा ले। वो दालचीनी उसे अपने ट्रॉले में बेहोश करके लेके गई।
कहीं कहीं ऐसा ना हो कि जो दीपक के साथ किया वही वही कला के साथ भी कर दे बेटा। हाय रब्बा, इस घर में एक के बाद एक क्या हो रहा है? ये तो होना ही था बीजी। मैं तो पहले से ही कह रही थी कि जिस तरह से उसकी दिमागी हालत है उसे घर में नहीं रहना चाहिए। पर मॉम, दालचीनी कला को कहाँ लेकर जा सकती है? पुत्र, कहीं वो उस जगह तो नहीं लेके गई जहाँ दीपक की जान गई थी? पुत्र, अब मॉम जल्दी आइए, मैं कार निकालता हूँ। अब मुझे विश्वास हो रहा है दालचीनी पुत्र, आज तेरी जीत पक्की होके रहेगी। भगवान का नाम लेना शुरू कर दे कला, क्योंकि कुछ ही देर में तू इस मगरमच्छ का नाश्ता बनने वाली है। दीदी मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, तू पागल हो गई क्या? दीदी मैं तेरी सगी बहन हूँ, कौन कर सकती बहन के साथ ऐसा? क्या याद आ गया तुझे कि मैं तेरी बहन हूँ? दीदी मेरी बात सुन, तू प्लीज ऐसा मत करना। तू 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 मुझे बता, तू क्या चाहती है? तू जो बोलेगी मैं वो करूंगी। दीदी प्लीज, तो तेज सर जी के सामने अपनी सारी सच्चाई कबूल कर ले कला, तो तेरी जान बच जाएगी, वरना ये मगरमच्छ तेरा इंतजार कर ही रहा है कला। बोल, छोड़ दो तुझे। ठीक है ठीक है, मैं मानती हूँ कि दीपक को उस दिन तू जेल में पहने रखे। दीदी मैं ये भी मानती हूँ कि आंटी जी के साथ मैं मिलके हम दोनों मिलके तुझे पागल करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी जल्दी क्या है कला अपनी सच्चाई बताने की? तेज सर जी को आने में 5 मिनट बचे, उनके सामने अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेना, वरना तुझे इसी मगरमच्छ के पास छोड़ दूंगी कला। दीदी 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 प्लीज प्लीज, अगर 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 तेज को सच्चाई पता चल गई तो सब बर्बाद। तुझे क्या चाहिए? तुझे तेज चाहिए ना? तू रख ले तेज को, रख ले, मुझे तेज नहीं चाहिए, लेकिन ये जिंदगी तो मेरी ना, प्लीज मुझे इसको रख लेने देना। दीदी देख कला, तू आज अगर अपनी और मम्मी जी की सच्चाई तेज सर जी के सामने बता भी देगी ना, तो तू आज के दिन बच जाएगी, लेकिन तुझे तेरे पापों की सजा मिलनी ही चाहिए। इसीलिए कह रही हूँ तैयार रहना, क्योंकि अपनी बाकी की उम्र तू और मम्मी जी जेल में चक्की पीसने वाले। कम से कम मगरमच्छ का शिकार होने से तो बेहतर है ना जेल में चक्की पीसना। माँ, दालचीनी का ट्रॉला। दालचीनी कला, ये ले कला, तेरी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब तेज सर जी के सामने अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेना। अगर तेज को सच्चाई पता चल गई वो तो मुझे जिंदा ही मार डालेगा। तो ये मगरमच्छ कौन सा तुझे छोड़ने वाला है कला? तुझे आज अपना जुर्म कबूल करना ही पड़ेगा।
दालचीनी। दालचीनी क्या बेवकूफी, छोड़ो उसे प्लीज। अपना जुर्म कबूल करने से पहले नहीं देखता जी। तो बता कला, कैसे मरना पसंद करेगी तू? तेज सर जी को अपनी सच्चाई बताकर या इस मगरमच्छ का शिकार बनकर? दीदी, दीदी प्लीज। भाई रब्बा, ये लड़की तो आज कला से सच उगलवा के रहेगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। बोल कला, मेरे पास वक्त बहुत कम है। बचाओ। दालचीनी, मगरमच्छ नीचे क्या पागल बने और किस जुर्म की बात कर रही हो तुम? वही जुर्म की देवता जी, जो मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर आप है कि मेरी बात मानने को राजी ही नहीं है। बोल कला। दालचीनी प्लीज रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मैं कह रही हूँ बोल। दालचीनी, दालचीनी मत कर, ऐसे मत कर। देख, तुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तू पागल हो गई है। यू नीड हेल्प। कौन पागल है और कौन पूरे परिवार वालों को पागल बनाते आ रहा है ना मम्मी जी, ये अभी पता चल जाएगा। बोल रही है कि नहीं? दीदी 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 बोल 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 रही हूँ। जल्दी कला, सच सच ये कि बोल कला, बोल रही हूँ सच ये कि मैंने दीपक को